सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो आज का वीडियो यूं तो DIY वीडियो होने वाला है, फेस्टिव सीजन से जुड़ा हुआ। आज मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूं कुछ ऐसे DIY जो आने वाले फेस्टिवल में हमारे काम में आएंगे ही आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको दिखा रही हूं अपने गार्डन के कुछ सुंदर सुंदर से फूल जो कि आज खिले हैं। और ये रेन लिली हैं जो कि बहुत सुंदर लगते हैं और ढेर सारे खिलते हैं जब भी खिलते हैं। आज ये 5-6 फूल एक साथ खिले थे तो सोचा आप सबके साथ में ज़रूर शेयर करूं। और साथ ही ये बटन रोज़ हैं जो कि सर्दी के मौसम आ गया है और अब इतने अच्छे खिलने स्टार्ट हो गए ना कि मन खुश हो जाता है। आपको भी अच्छे लगते होंगे ना दोस्तों। डेली रूटीन में तो हम अपने घर को सटल बना करके रखते हैं, लेकिन फेस्टिव सीजन में कलरफुल चीजों से जब हम घर को सजाते हैं ना तो घर बहुत सुंदर लगता है। घर में 4 चांद लग जाते हैं और फेस्टिवल्स का मजा भी आता है। अगर आप मार्केट में देखने के लिए जाएंगे ना तो फेस्टिव सीजन में इस तरह की डेकोरेशन वाली आइटम जो है वो भर भर के मिल जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से प्राइस होता है, जिस तरीके से आप चीज देखेंगे ना उसी तरीके से प्राइस भी बढ़ता जाता है। रिसेंटली मैंने भी आप सबके साथ में 2-3 मार्केट के टूर शेयर किए हैं तो आपको पता थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और आप लोग भी जाते रहते हैं तो आपके शहर में क्या प्राइस है वो भी मुझे बताइएगा। तो आज मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे DIY डेकोरेशन आइडिया जो कि आप फेस्टिव सीजन में बना सकते हैं बहुत ही कम खर्चे में। और उसके बाद में अगर आप उसको स्टोर करके भी रख देते हैं तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप नेक्स्ट ईयर उसको अलग तरीके से रीयूज कर सकते हैं। तो कल के वीडियो में मैंने आप सबके साथ में शेयर की थी एक कुंदन रंगोली, और सबसे पहले उसी रंगोली से हम बनाते हैं एक खूबसूरत सा डेकोरेशन आइडिया, वो भी वॉल डेकोर। पिछले वीडियो में मैंने आप सबके साथ में शेयर की थी ये वाली रंगोली जिसको आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, कैंडल होल्डर की तरह भी यूज कर सकते हैं। आज मैं इसका एक और नया सा यूज बता रही हूँ जो कि हम वॉल डेकोर की तरह इसको यूज करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे। मैंने लिया है यहाँ पर ये मास्किंग टेप, मैंने डबल साइडेड टेप का यूज़ नहीं किया है। आई रिपीट कि मैंने डबल साइडेड टेप का यूज़ नहीं किया है, मैं यहाँ पर मास्किंग टेप का यूज़ कर रही हूँ। इससे हमारी वॉल के ऊपर निशान नहीं पड़ते हैं जब हम इसको टेप को निकालते हैं या अपना डेकोर आइटम निकालते हैं ना, तो इसके ऊपर निशान नहीं पड़ते। डबल साइडेड टेप जो होता है वो वॉल के ऊपर फिक्स हो जाता है और फिर उसको निकालने में हमारी वॉल डैमेज हो जाती है। तो इस तरीके से मास्किंग टेप को मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा कट किया और इस तरीके से रोल करते हुए इसके ऊपर चिपका दिया है। अब ये क्योंकि कार्डबोर्ड के हैं तो ये बहुत छोटे छोटे से जगह पर ही चिपक जाएंगे, और जो बड़ा वाला आइटम था उस पर ढेर सारा मैंने टेप चिपकाया है। और इसके बाद में आप जिस तरीके से चाहें अपनी वॉल के ऊपर इसको डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए ये इस तरीके से मैंने लगाया है तो एक वॉल डेकोर आइडिया हो गया, इस तरीके से भी लगा सकते हैं। देखिए ये तो मैंने लिपन आर्ट बनाया था, उसके बाद में ये कुंदन रंगोली को मैंने इस तरीके से यूज़ किया है और ये रंगोली भी यहाँ पर इस तरीके से चिपकने के बाद में कितना सुंदर वॉल डेकोर लग रही है। कौन कहेगा कि ये रंगोली है, इसको आप बाद में या इस फेस्टिव सीजन में भी इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। और देखिए तीसरा तरीका, ये मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है, ये जैसे हमने फर्श पे बनाई थी इसी तरीके से मैंने वॉल के ऊपर स्टिक कर दी है और ये देखने में भी बहुत सुंदर लग रही है। आप इस तरीके से बिल्कुल कम खर्चे में एक खूबसूरत सा एक्सपेंसिव लुकिंग DIY या वॉल डेकोर इस फेस्टिव सीजन पर बना सकते हैं और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो कैसा लगा आइडिया मुझे बताइएगा ज़रूर। इस तरीके से हमने बिल्कुल सिंपल कार्डबोर्ड की रंगोली को रंगोली की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, कैंडल होल्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और कितना सुंदर वॉल डेकोर बन गया। मैंने तो इसको सर्कल में करके दिखाया है, आपको इस तरीके से करके दिखाया है। आप अपनी चॉइस से इसको अलग अलग तरीके से रिक्रिएट कर सकते हैं और हर बार एक नया डिजाइन बना सकते हैं। अब क्योंकि कल से नवरात्र शुरू है तो चाहिए होगा एक मंदिर बनाने के लिए या चौकी सजाने के लिए बैकड्रॉप, तो मैं बना रही हूँ एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्विक वाला सुंदर सा बैकड्रॉप जो कि आप भी बना सकते हैं किसी कार्डबोर्ड पर या फिर लकड़ी के टुकड़े पर। पिछले कई साल से मैं आप सबके साथ में लगातार नवरात्रि पर कोई ना कोई बैकड्रॉप जरूर शेयर करती हूँ, तो इस बार मैंने एक बैकड्रॉप बनाने की सोची है इस लकड़ी के टुकड़े पर। ये लकड़ी का टुकड़ा बहुत टाइम से मेरे घर में पड़ा हुआ था, फाइनली आज मैंने इसको निकाला है और वॉश कर दिया। और जब ये ड्राई हो गया है तो इसके ऊपर मैं ये लगाऊंगी फ्लावर।
ये पुराने फ्लावर हैं, मतलब मैंने इसको दिवाली के लिए लिया था, लास्ट ईयर दिवाली पर लिया था, तो अभी मैंने सोचा कि इसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं इस तरीके से हॉट ग्लू गन की हेल्प से केवल फ्लावर की स्टिक निकाली है मैंने और इस तरीके से चिपकाती जा रही हूँ। बस करना कुछ नहीं है, हल्का हल्का ग्लू लगाना है और इसको इस तरीके से चिपकाना है कि ये पूरी तरीके से कवर हो जाए। और कवर हो जाने के बाद में मैंने इसके ऊपर रैंडमली थोड़ी सी लीव्स भी चिपका दी हैं। ये हमारा एक बहुत ही छोटा सा और सुंदर सा बैकड्रॉप बन करके तैयार हो गया। अब इसको हम सजाते भी हैं, तो मैंने चौकी ली है और चौकी मेरे पास, ये मैं पठानकोट से लेकर के आई थी, आप सबके साथ में मैंने शेयर भी किया था। इसके ऊपर जो भी रेड वस्त्र वगैरह हम बिछाते हैं वो मैं बिछा लूँगी। अभी तो मैं आपको रेफरेंस के लिए एक सुंदर सा दुपट्टा बिछा करके दिखा रही हूँ, बाकी जब चौकी को सजाएंगे तो अच्छे से सजाएंगे। और उसके बैक साइड में मैंने ये बैकड्रॉप लगा दिया है। अब इसके ऊपर आप चाहें तो तोरण लगा सकते हैं, साइड में लाइट्स लगा सकते हैं। मैंने इसके किनारे किनारे लाइट्स लगाई हैं, ऊपर के साइड में तोरण लगाया है। मैंने तो हल्का सा तोरण ही लगाया है, कोई हैवी तोरण अगर आप लगाएंगे तो ये बैकड्रॉप और भी ज़्यादा सुंदर लग करके आएगा। इसके बीच बीच में आप लाइट्स भी लगा सकते हैं, बहरहाल मैंने तो ये बैटरी ऑपरेटेड लाइट लगाई हैं तो ये थोड़ी सी कम रोशनी दे रही हैं। ओरिजिनल लाइट लगाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर होकर के और भी आएगा। तो ये आइडिया बहुत ही सिंपल और ईजी है, आप आज भी कर सकते हैं क्योंकि कल से तो नवरात्र शुरू हैं। अच्छा, लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आप सबके साथ में ये शुभ लाभ वाला हैंगिंग शेयर किया था। अगर आपने नहीं चेक किया वो वीडियो तो मैं यहाँ पर छोटा सा एक हिंट दे रही हूँ आपको। इसमें मैंने बस एक ये एक्रिलिक शीट थी, इसके ऊपर मैंने फोम शीट लगा दी और ऊपर से लगा दिए मैंने इस तरीके से गोटा किनारी की लेस। अब बीच में मेरे पास रखे थे पुराने पिछले साल वाले शुभ लाभ जो मैंने दीवार पर चिपकाए हुए थे, उसको मैंने इसके ऊपर लगा दिया है और ऊपर से लगा दिया है ये गार्लैंड, आधी आधी कट करके मैंने इसके दोनों बैक साइड में मैंने चिपका दिया है। तैयार हो गए हमारे मिंटो में कितने खूबसूरत से शुभ लाभ वाले डोर हैंगिंग, तो इसको भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए एक और बताती हूँ। उसके लिए मैंने इस तरीके से कार्डबोर्ड लिया है और उसको मैंने सर्कल कट कर लिया है। अब सर्कल आपको कितना बड़ा चाहिए आप अपनी चॉइस के हिसाब से कट कर सकते हैं। मीडियम साइज़ की बोल लेकर के मैंने इसके दो सर्कल कट किए हैं और वैसे तो मैं आपके साथ में दो और DIY शेयर करने वाली थी लेकिन किसी कारण से नहीं कर पाई हूँ। फिलहाल मैंने ये सर्कल तो चारों ही कट कर दिए, नेक्स्ट वीडियो में किसी में मैं आपके साथ में बचे हुए DIY शेयर कर दूँगी। फिलहाल फेस्टिव सीजन में आप इसको देखते जा रहे हैं तो बनाते भी जाइए हैंड टू हैंड, जिससे कि दिवाली तक आपके पास भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन बन करके तैयार हो जाए। और इस तरह के छोटे छोटे DIY अगर आप थोड़ा बहुत सामान ले आते हैं ना तो एक बार में बनाने में मतलब आपका सारा सामान यूज़ हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा सामान ला करके अगर आप करेंगे तो आपका ये सामान आगे भी काम में आएगा और आपके DIY भी आपकी पसंद के बन जाएंगे। तो ये देखिए सर्कल मैंने कट कर लिया है, अब इसके ऊपर अपनी चॉइस का कोई भी फैब्रिक लगा सकते हैं। मेरे पास ये ब्लाउज़ पीस का एक मरून कलर का फैब्रिक बचा हुआ था, सिल्क का है ये, तो इतना अच्छा तो नहीं था, इसके ऊपर अगर वेलवेट लगाते तो और ज़्यादा सुंदर लगता, लेकिन मेरे पास चूँकि ये सिल्क का ही था तो मैंने सोचा चलो इसी को यूज़ कर लेते हैं, इसको कवर तो करेंगे ही। तो इसके बराबर बराबर के मैंने कट कर लिए हैं चार सर्कल और चारों सर्कल को मैं ग्लू गन की हेल्प से इसके ऊपर कवर कर दूंगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। इस तरीके से ये कवर करने के बाद में लग रहे हैं। अब इस DIY में हम चार में से दो सर्कल का यूज़ करेंगे और दोनों सर्कल को हम किसी और चीज़ में यूज़ करेंगे। देखिए बिल्कुल अच्छे से इवनली हमने लगाया है, एक के ऊपर लिख दिया है मैंने शुभ और एक के ऊपर लिख दिया है मैंने लाभ। बैक साइड से ये कुछ प्लेन से लग रहे हैं क्योंकि बैक साइड से मैंने अभी कुछ नहीं किया है, हम इसको बाद में चिपकाएंगे। तो इस तरीके से ये मेरे पास बीड्स थे बहुत ही छोटे वाले साइज़ के, इसको हम शुभ और लाभ के ऊपर चिपकाएंगे। और चिपकाने के लिए बिल्कुल नॉर्मल PVA ग्लू जो आता है उसी का मैं यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो फैब्रिक ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने ग्लू की हेल्प से ये शुभ और लाभ दोनों को बीड से चिपका दिया है। अब लूँगी मैं समोसा लेस और इसके किनारे किनारे मैंने लगा दी है समोसा लेस और हैंग करने के लिए छोटे छोटे से हैंग लगा दिए हैं। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर लगाए हैं बीड्स और फिर एक लेयर लगाई है बॉल चेन की। अब ये देखिए इसको ऐसे भी लगाया जा सकता है लेकिन थोड़ा और सुंदर बना देते हैं। दो लेयर मैंने बॉल चेन की नीचे की साइड में हैंगिंग करने के लिए लगा दी है और बड़े साइज़ के हाफ बीड को मैंने बीच में लगा दिया है।
जिससे कि ये हैंगिंग भी बन गए हैं। अब देखिए, मैंने तो इसको ना पेपर टेप की हेल्प से या मास्किंग टेप की हेल्प से आपको टाइल के ऊपर फिक्स करके दिखाया है। आप इसको चिपका भी सकते हैं और हैंग भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, लेकिन देखिए बहुत ही सुंदर बना है और बहुत ही आसानी से बन गया है। तो हमारे ये शुभ लाभ भी बन करके तैयार हो गए हैं, बिल्कुल जीरो कॉस्ट में ही बने, क्योंकि जो भी सामान चाहिए था वो ऑलमोस्ट घर पर ही था, लेकिन कितने सुंदर बन गए हैं, है ना। तो आज के वीडियो में आप सबका कौन सा फेवरेट DIY था मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो कहीं पर कुछ भी पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।